नए चैप्टर का नाम लिखो आप, लेजर, LEDGER, लेजर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब स्पेशली किस नज़रिए से बोल रहा हूँ वो भी क्लियर कर देता हूँ। एग्ज़ाम के नज़रिए से नहीं बोल रहा, लेकिन क्लास ट्वेल्थ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि क्लास ट्वेल्थ में हमें लेजर का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो मेरे पास तो मल्टीपल जब क्वेरीज आती है, बच्चे कहते हैं कि सर क्लास इलेवंथ का ऐसा कौन सा चैप्टर हमें अच्छे से करना है जो ट्वेल्थ में काम आएगा, तो ये है वो चैप्टर। ठीक है, बाकी ये है क्या उसकी कहानी की याद को याद दिलवाने के लिए मैं पहले कोड लिख रहा हूँ, IMRC SAC, याद आया? वेरी गुड। आर सी क्या था? रिकॉर्डिंग, वो आपने कर लिया, जर्नल, राइट। और सी से क्या था? क्लासीफाइंग, वो आप इस चैप्टर में अब सीखोगे। तो यानी कि लेजर जो बुक होती है, बेसिकली इट इज़ ऑल अबाउट क्लासीफाइंग। ठीक है, और पहले हम रिकॉर्डिंग करते हैं, मतलब पहले हमेशा जर्नल करते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, लेजर बुक बनाते हैं, क्लासीफाइंग करते हैं। ठीक है ना, तो लिखो पहले मेरे साथ, पहले कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे फिर मैं आपको सिखाऊंगा सारी बातें। तो इसमें लिखना, ए लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री। ए लेजर इज अ बुक ऑफ फाइनल एंट्री सिंस ऑल द ट्रांजेक्शंस recorded in the journal are transferred in the ledger. Since all the transactions recorded in the journal are transferred in the ledger. Full stop, second arrow. Ledger is also known as principal book. Ledger is also known as principal book. और third arrow डाल के लिख लो, ledger is master record of all the accounts, bracket में T shape, तो इसमें आप highlight कर लेना, master record of all the accounts, ये सबसे main चीज़ है। तो बेसिकली लेजर जो बुक है, लेजर जो मतलब हम सीखेंगे, वो सारे ही अकाउंट्स का मास्टर रिकॉर्ड है। बाकी इसको हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, क्योंकि इसमें हमारी एक तरह से आखिरी बार मतलब रिकॉर्डिंग हो जाती है, या यूँ कह लो जर्नल से निकलने के बाद इसमें हम आखिरी बार ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसके बाद फिर ट्रांजेक्शन कहीं नहीं जाती, ख़त्म हो जाती है। तो ये लास्ट किताब है एक तरह से, ये भी माना जा सकता है। चलो, तो थोड़ा सा आपको याद दिलवाता हूँ, क्योंकि आप कहानी भूल गए होंगे। तो आपने अभी पिछले चैप्टर में एक बुक पढ़ी थी, कौन सी बुक थी? जर्नल। ठीक है, अब जर्नल में तो सारी रिकॉर्डिंग होती थी जो आपने सीख ली, एक्स अकाउंट डेबिट टू ये अकाउंट डेबिट टू ये करते थे ना, ये आपने रिकॉर्डिंग करी थी ना, ये अकाउंट डेबिट टू ये, अगर सेल की एंट्री है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, ऐसे करते थे रिकॉर्डिंग, राइट। अब मैं आपको ये सिखाऊंगा कि जब हम जर्नल कर लेते हैं तो उसके बाद टी शेप अकाउंट बनते हैं। अब ये टी शेप अकाउंट आपने पहले पढ़ रखे हैं, जब आपने पढ़ा था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, याद है टी शेप अकाउंट, और जल्दी से रूल्स भी याद दिलवा देता हूँ इसी बहाने। तो टी शेप अकाउंट के अंदर आपको रूल में ऐसा बताया था कि लेफ्ट साइड को डेबिट कहते हैं, राइट साइड को क्रेडिट कहते हैं, याद आ गया? और उसके रूल्स आपको जो मॉडर्न वाले सिखाए थे वो याद दिलवा देता हूँ, उसमें सिखाया था क्लियर राइट, जिसमें बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्रेडिट, ये किसका रूल था? एसेट और एक्सपेंस का। लेकिन
घटने पर डेबिट और बढ़ने पर क्रेडिट, ये किसका रूल था? और वेरी गुड। और आपने टी शेप अकाउंट कुछ कुछ बनाए भी थे अगर आपको याद हो। ठीक है, तो अब देखो बस होगा क्या कि तब तो आपने दो तीन ही टी शेप अकाउंट बना लिए थे, लेकिन अब जो है हमें बहुत सारे टी शेप अकाउंट बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे टी शेप अकाउंट बनाने पड़ते हैं। और ये जो बहुत सारे टी शेप अकाउंट बनते हैं जिस किताब के अंदर, ये बादल बना देता हूँ, तो इस बादल वाली किताब को क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। तो ये लास्ट पॉइंट में यही लिखा है कि लेजर इज़ द मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल द अकाउंट्स। तो हम बहुत सारे इसमें टी शेप अकाउंट्स बनाएंगे, बस उसी को लेजर कहते हैं। तो आपको मतलब ऑलरेडी आधा चैप्टर वैसे आता है अगर आपको टी शेप अकाउंट याद है तो। चलो उसके बाद लिखो नेक्स्ट एरो में फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो लेजर का फॉर्मेट एक बार दोबारा से बना लेते हैं, मतलब अकाउंट का फॉर्मेट बेसिकली। तो फॉर्मेट ऑफ लेजर, तो याद है आपको कितने कॉलम्स थे? और हाँ नहीं, उससे पहले एक और था JF। हाँ, तो चार कॉलम लेफ्ट साइड में थे और चार कॉलम राइट साइड में थे। ठीक है, तो फटाफट बना लो जल्दी से ताकि हमारा रिवीजन हो जाए। लेफ्ट साइड को डेबिट बोलते हैं, राइट साइड को क्रेडिट बोलते हैं, और कॉलम के नाम याद रखने हैं डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट। JF की फुल फॉर्म जर्नल फोलियो, जो है वैसे बेकार। तो डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट, और जिसको याद हो वो बच्चा बताए कि जब डेबिट साइड में हम कुछ भी रिकॉर्ड करते थे। वेरी गुड, तो याद है इसका मतलब टू लिखते थे, याद है? और क्रेडिट साइड में जब कुछ भी रिकॉर्ड करते थे तो बाय। वेरी गुड, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, ये इस बात का सबूत है। हाँ, जर्नल की बातें तो अलग थी। फिर उसके बाद आपको कास्टिंग याद है? कास्टिंग, वेरी गुड, टोटलिंग। और उसका रूल याद है कि कौन सा टोटल लिखते हैं? जो अमाउंट ज़्यादा है या लार्जर अमाउंट। तो ये भी आपको सिखाया था कि अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो फिर वही लिखेंगे, क्रेडिट साइड का अगर टोटल ज़्यादा है तो वही लिखेंगे। लिखो दिव्यम भाई, क्या रील स्क्रॉल कर रहे हो? फिर कास्टिंग के बाद एक और चीज़ सिखाई थी, बैलेंसिंग। वेरी गुड, तो वो याद है आपको? ठीक है, तो बस ऐसे लिख कर टिक लगा लो। तो बेसिकली ये सारी वही बातें जो आपको पहले ही सिखा चुके हैं, तो बस आप ये फॉर्मेट बना लो एक छोटे से रेफरेंस के लिए, माइंड रिफ्रेंच हो जाएगा। हाँ वो तो अब कल सिखाऊंगा, फिर बनाएंगे। हाँ याद है ना, बैलेंस कैरिड डाउन, हाँ वही। तो मतलब ये देख लो कि आपको याद है या नहीं, कास्टिंग सबको याद है? ठीक है, और बैलेंसिंग भी सबको याद है। तो बेसिकली हमें वही काम करना है जो पहले आप कर चुके हो, टी शेप अकाउंट ही बनाना है, लेकिन हम थोड़ा सा दोबारा से क्वेश्चन कर करके सिखाएंगे आपको कि कैसे और अच्छे से बनाना है। चलो तो सबसे पहले लिखो, आप तीन चीज़ें सिखाऊंगा आपको मेन। पहली हेडिंग लिखनी है नंबर वन, पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री। तो मैं सबसे पहले आपको पोस्टिंग का तरीका सिखाऊंगा, उसको आराम से देखना, मेरे साथ साथ लिखना, फिर जब आप हाँ कहोगे सब बच्चे तब आगे बढ़ूंगा। तो लिखो पोस्टिंग ऑफ सिंपल जर्नल एंट्री। तो इसमें लिखो सबसे पहले ट्रांजैक्शन। तो मैं एक ट्रांजैक्शन दूंगा आपको, ठीक है, और जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन दूंगा आपको तुरंत तेज़ी से उसकी जर्नल एंट्री बतानी होगी। ठीक है, तो तैयार हो आप? तो मैं ट्रांजैक्शन दूंगा, जैसे ही मैं ट्रांजैक्शन लिख के दूं
तो आपको तुरंत प्रभाव से जर्नल एंट्री बतानी है। तो पहले ट्रांजैक्शन लिख लो, रेंट पेड रुपी 5000, ठीक है। तो वृंदा जी ने सबसे पहले जवाब दे दिया, बिल्कुल सही, रेंट अकाउंट डेबिट 5000 और 2 कैश अकाउंट, ठीक है। तो ये आपने पुराने चैप्टर में सीख लिया था। तो यहाँ तक तो मतलब मुझे कुछ नहीं सिखाना, ये तो आपने पुराने चैप्टर में सीख लिया। तो किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना तो आपको आता है, जर्नल का मतलब होता है रिकॉर्डिंग। तो बोलो प्यारे बच्चों, रिकॉर्डिंग में तो आप चैंप हो गए अब, है ना, रिकॉर्डिंग में तो आप चैंप हो गए। लेकिन मुझे अब ये सिखाना है कि रिकॉर्डिंग के बाद पोस्टिंग कैसे होती है, वो अब मेरा काम है। यानी कि अब मैं सिखाऊंगा कि लेजर जो होती है बुक, वो कैसे बनती है, वो अब मैं सिखाऊंगा। तो बस अब आप हेडिंग डालना इसके नीचे लेजर, यानी कि अब पोस्टिंग मैं सिखाऊंगा। चलो जी, तो अब जब पोस्टिंग करनी होती है तो बड़े ध्यान से मेरी बातों को सुनना। आपको जर्नल एंट्री में ये देखना है कि कितने अकाउंट लिखे हुए हैं, उन्हें काउंट करने। देखो, दो अकाउंट, वेरी गुड। ये पहले अकाउंट का नाम क्या है? रेंट अकाउंट। और दूसरे अकाउंट का नाम क्या है? कैश अकाउंट, वेरी गुड। तो इसका मतलब होता है कि आपको कितने अकाउंट बनाने पड़ेंगे टी शेप वाले? दो। तो आप अब दो टी शेप अकाउंट बना लो फटाफट, ठीक है। दो टी शेप अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तो एक बना लो और दूसरा बना लो। छोटा सा ही बनाना है बस, मतलब तीन लाइन का बस, क्योंकि मैं सिर्फ पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। मैं इसमें कास्टिंग नहीं करूँगा, मैं इसमें बैलेंसिंग नहीं करूँगा, ध्यान रखना, ठीक है। मैं सिर्फ पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो आई एम नॉट डूइंग कास्टिंग और ना ही बैलेंसिंग, मैं सिर्फ पोस्टिंग सिखाऊंगा। तो आप दो अकाउंट बना लो, पहले अकाउंट का नाम क्या लिख लो? रेंट अकाउंट। और दूसरे अकाउंट का नाम लिख लो कैश अकाउंट। बाकी डेट पर्टिकुलर्स JF रुपी, हाँ एक दो बार लिख लो अभी, डेट पर्टिकुलर्स JF और रुपी या अमाउंट, ठीक है। तो एक दो बार बना लो, फिर धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम इनको स्किप कर दिया करेंगे, क्योंकि फिर आप सीख जाओगे। तो डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स JF और अमाउंट, ठीक है। तो दो अकाउंट बनाने हैं, तो बना लो पहले। तब तक आपसे ये पूछ लेता हूँ कि इनका नेचर क्या है, अगर किसी को याद हो। वेरी गुड जी, तो ये भी लिख लें अपने समझने के लिए, है ना, बाकी एग्जाम में नहीं लिखना, अभी अपने समझने के लिए लिख लो। तो रेंट एक्सपेंस है, वेरी गुड, और कैश क्या है? एसेट है, वेरी गुड। और इसका रूल भी बता दो लगे हाथ, अगर याद है तो। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट, और एसेट में भी सेम ही रूल होता है, जब बढ़ता है तो डेबिट और घटता है तो क्रेडिट। तो ये ऐसे ही लिख लिया मैंने, हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन ठीक है, मेरा मन कर रहा था आपसे पूछने का तो मैंने पूछ लिया, और आपने सही बता दिया तो हमारा रिवीजन हो गया। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ठीक है, चीज़ें थी तो रिवाइज भी हो गई, तो बना लो आप। चलो, तो अब आप बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। मैं आपको जर्नल एंट्री रीड करना सिखा रहा हूँ, ताकि पोस्टिंग भी आपको आ जाएगी। तो बड़े ध्यान से देखना, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। इसमें लिखा है
रेंट अकाउंट। तो ये पता है आपसे क्या कह रहा है, रेंट अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा, रेंट अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा, मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जाऊंगा, तो ये कह रहा है डेबिट साइड पे। इसके आगे क्या लिखा है, डेबिट। तो रेंट कह रहा है कि मैं जाऊंगा डेबिट साइड पर और कितने रुपए, 5000। तो देखो मैं आपको पोस्टिंग सिखा रहा हूँ, तो अब ये 5000 रेंट अकाउंट में जाएंगे और कौन सी साइड जाएंगे, डेबिट साइड जाएंगे, क्योंकि वो चिल्ला चिल्ला के खुद ही कह रहा है रेंट कि मैं जाऊंगा डेबिट साइड पर, तो मैं यहाँ लिखूंगा 5000। इसे पोस्टिंग कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोस्टिंग। ऐसे अभी दूसरा वाला भी देखना। फिर हमने लिखा है टू के नीचे लिखा है टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा, अब ये कहाँ जाएगा, तो आपको कैसे पता क्रेडिट साइड, क्योंकि टू लिखा है टू, ये तो आपको जर्नल एंट्री में सिखाया था ना, जिसके आगे टू लिखा होता है इसका मतलब वो क्या लिखा है, क्रेडिट। तो कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा, कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड, तो इसीलिए हम उसको कहाँ पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड। तो इसे पोस्टिंग कहते हैं। तो अब आराम से इसको ऑब्जर्व करके मुझे बताना कि आपको पोस्टिंग समझ आई, मतलब अगली ट्रांजेक्शन अब मैं चेंज कर दूंगा तो आप अपने आप सही अकाउंट में सही पोस्ट कर दोगे, तो बस आपको धीरे धीरे रीड करना है। तो रेंट अकाउंट डेबिट का मतलब है कि रेंट अकाउंट कह रहा है मैं डेबिट में जाऊंगा, और टू कैश अकाउंट का मतलब है कि कैश अकाउंट कह रहा है मैं क्रेडिट में जाऊंगा। तो इतना ओके हो गया, तो पहले आप इतना बना लो, तो पहले आप इतना इतना लिख लो, तो रेंट अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दो आप डेबिट साइड में 5000, और कैश अकाउंट के अंदर आप पोस्टिंग कर दो क्रेडिट में 5000। इस प्रक्रिया को पोस्टिंग कहते हैं। तो मतलब कल को आपको कोई पूछे कि भाई पोस्टिंग का मतलब क्या, तो आप कहना पोस्टिंग का मतलब ये, यानी कि जर्नल एंट्री से पोस्ट करना, जर्नल एंट्री से ट्रांसफ़र करना। अब वो मेरा अगला स्टेप है, वो तो अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। तो पहले पोस्टिंग ओके हो गई, अच्छा अब आते हैं पर्टिकुलर पर। बड़े ध्यान से सुनना, अभी जो तरीका सिखाऊंगा वैसे याद रखने की कोशिश करना, वैसे तो आप सीख जाओगे क्या। अब पर्टिकुलर में ध्यान से देखना, ये तो मुझे पता है कि डेबिट में जब लिखते हैं तो क्या लगाते हैं, टू है ना, लेकिन आगे क्या लिखना है वो भी सिखाऊंगा। और क्रेडिट में क्या लगाते हैं, बाय। तो ये तो आपको पता ही है ना कि डेबिट में पुराने ज़माने से क्या लगाते चले आ रहे हैं, टू, हाँ मतलब बाय, और डेबिट में क्या लगाते चले आ रहे हैं, टू। अब हमें आगे क्या लिखना है, बड़े ध्यान से सुनना। मैं रेंट अकाउंट से बातें कर रहा हूँ, मैं रेंट अकाउंट से पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट तुम 5000 डेबिट क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, तो वो क्या बोलेगा, हाँ रेंट से बात कर रहा हूँ, तो मैं रेंट अकाउंट से बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट तुम 5000 डेबिट क्यों हुए, किसकी वजह से हुए, तो पता है वो क्या बोलेगा, हाँ नहीं वो तो आपने ट्रांजेक्शन समझा रहे हो, वो पता है क्या बोलेगा, वो कहेगा कैश अकाउंट की वजह से, वो पता है क्या बोलेगा, कैश अकाउंट की वजह से। सेकेंड क्वेश्चन, अब मैं कैश अकाउंट से बातें कर रहा हूँ, मैं कैश अकाउंट से कह रहा हूँ कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तुम्हें 5000 क्रेडिट क्यों हो करा, किसकी वजह से, वो क्या बोलेगा, हाँ वो कहेगा रेंट अकाउंट की वजह से। तो बस ये लिख लो आप, इसी तरह याद रखने की कोशिश करना। तो जब हम रेंट अकाउंट से पूछते हैं कि रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट तुम डेबिट किसकी वजह से हुए, तो वो क्या बोलेगा, कैश अकाउंट की वजह से। और कैश अकाउंट से पूछेंगे कि कैश अकाउंट, कैश अकाउंट तुम क्रेडिट किसकी वजह से हुए, तो वो कहेगा बाय रेंट अकाउंट। अब इसका रीज़न क्या होता है वो भी बता देता हूँ, पहले आप नोट कर लो, पहले इतना नोट करो, कर लिया नोट। तो अब इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर तो आपको दोनों अकाउंट दिख रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है,
लेकिन मान लो कोई खाली कैश अकाउंट देखता, लेट से मान लो किसी को खाली इतना नज़ारा नज़र आ रहा होता, तो अब वो खाली इतना देखकर भी समझ सकता है कि ये 5000 जो कैश में क्रेडिट हो रहा है इसका मतलब ट्रांजैक्शन क्या रही होगी, ये समझ सकता है, क्योंकि अभी कैश अकाउंट में क्या लिखा हुआ है, बाय रेंट अकाउंट। तो आपको अगर रेंट अकाउंट नहीं भी दिख रहा तब भी आप समझ सकते हो कि इसका मतलब कैश अकाउंट में किस वजह से पैसे कम हो रहे हैं। अब देखो कैश का रूल क्या है, कम होता है तो क्रेडिट होता है, तो आप समझ सकते हो कि कैश क्यों कम हो रहा होगा, बताओ, क्योंकि रेंट पे करा है। तो ये अंडरस्टैंडेबल बनाने के लिए ऐसे लिखा जाता है। अच्छा, इसी तरह मान लो खाली रेंट अकाउंट दिख रहा होता तो ये भी हम समझ सकते थे कि रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और लिखा है टू कैश अकाउंट, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, रेंट पे हो रहा होगा कैश में। अगर यहाँ लिखा होता टू बैंक अकाउंट तो चेक से पे हो रहा होता। तो ये अंडरस्टैंडेबल बना देता है कि रेंट इसका मतलब कैसे पे हुआ है, कैश से पे हुआ है। अगर यहाँ लिखा होता टू बैंक अकाउंट तो इसका मतलब आप समझते चेक से पे हुआ है। तो आप इतनी टेक्निकलिटी में जाने की बजाय सिंपल फनी तरीके से याद रखो कि जब रेंट से पूछेंगे कि तुम डेबिट क्यों हुए तो वो क्या बोलेगा, कैश की वजह से, और कैश से पूछेंगे तुम क्रेडिट क्यों हुए, रेंट की वजह से, तो दोनों एक दूसरे पर ब्लेम डालेंगे। ठीक है, अच्छा, तो बस इसको पोस्टिंग कहते हैं। अब लिखते हैं नंबर टू। अब इसी तरह सेम प्रोसीजर आपको नंबर टू में सिखाता हूँ। नंबर टू का नाम लिखो पोस्टिंग ऑफ कंपाउंड जर्नल एंट्री, तो पहले एक ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन लिखते ही आपको क्या बताने पड़ेगा, जर्नल एंट्री, ठीक है, वो आप बताओगे। तो पहले ट्रांजैक्शन लिख लो, कैश रिसीव्ड रुपी 9500 फ्रॉम मोहन इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज ड्यूज रुपी 10,000। वेरी वेरी गुड, तो बिल्कुल सही जर्नल एंट्री बताई है जी। तो लिख लेते हैं हम भी वही चेप के बच्चों से जो पूछी, कैश अकाउंट डेबिट 9500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500, टू मोहन 10,000। वेरी गुड, तो इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। कंपाउंड जर्नल एंट्री का मतलब होता है जब डेबिट या क्रेडिट में किसी में भी दो या उससे ज़्यादा एस्पेक्ट्स आ जाएं, मतलब दो या दो से ज़्यादा अकाउंट्स आ जाएं, सॉरी। तो इसमें डेबिट में कितने अकाउंट्स आ गए, दो, मतलब डेबिट में दो आ गए, तो इसीलिए इसको कंपाउंड जर्नल एंट्री बोलते हैं। जैसे पहले वाली एंट्री कौन सी थी, सिंपल जर्नल एंट्री, उसमें एक डेबिट एक क्रेडिट। लेकिन अगर मान लो कभी भी दो डेबिट हो जाएं या दो क्रेडिट हो जाएं कुछ भी, तो उसको क्या बोल देंगे, कंपाउंड जर्नल एंट्री। चलो, तो खैर जर्नल एंट्री से तो मुझे मतलब नहीं है। अब आप काउंट करो और ये बताओ कि अब इस जर्नल एंट्री को ध्यान से देखकर काउंट करो कितने अकाउंट बनेंगे, और नाम बताओ अकाउंट के, और मोहन अकाउंट, मतलब वही, और क्या, मोहन की नहीं, अलग होगा। मोहन कहेगा मेरी कोई इज्जत नहीं है क्या, तो हाँ मोहन की जगह जो भी नाम दिया होता तो वो। तो अब आप ऐसा करना, क्योंकि अब हम थोड़ा मुद्दे की बातों पर आना चाहते हैं, तो आप डेट और जेएफ का कॉलम आप हटा दो ताकि टाइम वेस्ट कम हो, ठीक है ना। तो अब डेट का और जेएफ का कॉलम जो है वो मत बनाओ,
ताकि टाइम वेस्ट ना हो, सिर्फ दो ही कॉलम बनाना है, ठीक है? तो एक बना लो कैश अकाउंट, फिर अगला बना लो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, और छोटे छोटे ही बनाने हैं बस, तीन तीन लाइन के, क्योंकि हमें तो खाली पोस्टिंग करनी है, कास्टिंग नहीं करनी, बैलेंसिंग नहीं करनी, वो तो खैर आती है हमें, तो हम तो बस पोस्टिंग सीखेंगे। और तीसरा कौन सा अकाउंट? मोहन अकाउंट, लेकिन उसके नाम के आगे अकाउंट लिखना मत, नहीं तो नाराज हो जाएगा वो। ठीक है, तो इसमें आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, कैश अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और मोहन अकाउंट। तो पहले आप बना लो, फिर करेंगे पोस्टिंग। चलो जी, तो बन गए प्यारे बच्चों। तो अब मैं धीरे धीरे एंट्री पर चलूं, रीड करूं। चलो, तो एंट्री रीड करता हूं, फिर आपसे धीरे धीरे ही पूछूंगा। सबसे पहले लिखा है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा, कहाँ जाएगा ये? डेबिट। और कितने अमाउंट लिखा है? 9500। तो इसको हम कहाँ पोस्ट कर देंगे? कैश अकाउंट में, डेबिट साइड। वेरी गुड। तो क्लियर है सब बच्चों को पोस्टिंग? ठीक है, फिर दूसरा रीड करता हूँ। दूसरा लिखा है अब डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा डेबिट साइड, और कितने रुपए? 500। तो इसको कहाँ पोस्ट कर दोगे? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में, कौन सी साइड? डेबिट साइड। तो पहले इतने दोनों पोस्टिंग्स देख लो कि भाई सबको बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल अच्छे से, कोई भी दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलो अब पहले इन दोनों के पर्टिकुलर्स पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। अब कैश अकाउंट से मैं पूछ रहा हूँ, कैश अकाउंट तुम डेबिट किसकी वजह से हुए? तो वो क्या बोलेगा? टू। वेरी गुड। तो वो कहेगा मोहन की वजह से। क्लियर है सबको पर्टिकुलर? आदित्य भाई तुम बताओ। ओके, अब इसी तरह मैं डिस्काउंट अलाउड से भी पूछूंगा कि डिस्काउंट अलाउड अकाउंट तुम डेबिट किसकी वजह से हुए? नहीं, कैश की वजह से थोड़ी ना हुआ बेचारा। कैश और डिस्काउंट अलाउड, तो दोनों को थप्पड़ किसने मारा? मोहन ने। ये तो दोनों दोस्त हैं ना, क्योंकि ये तो दोनों डेबिट वाली टीम के हैं। इन दोनों को थप्पड़ मार के कौन भागा? मोहन। हाँ, ऐसे देख लो ना, समझ गए बात? तो दोनों डेबिट जो हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? दोनों डेबिट मोहन की वजह से। तो ओके हो गया पोस्टिंग। चलो अब तीसरा पढ़ लेते हैं। तीसरे में लिखा है टू मोहन। तो इसका मतलब मोहन कह रहा है मैं जाऊंगा। अब मोहन के अकाउंट में कहाँ जाएगा? क्रेडिट। तो चलते हैं, आओ इसको लेकर। तो मोहन के अकाउंट में वो कह रहा है क्रेडिट। चलो तो बताओ क्या लिखें? बाय, बताओ, बाय कैश अकाउंट। ठीक है, श्योर, कॉन्फिडेंट, और कितने रुपए? बट वहाँ तो 10,000 है। अच्छा, तो आप इतने होशियार हो गए, मतलब आप ये कह रहे हो कि बाय कैश अकाउंट अलग जाएगा और बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट अलग जाएगा। यानी कि मैं मोहन से पूछ रहा हूँ कि मोहन तुम 10,000 क्रेडिट क्यों हुए? तो वो क्या बोलेगा?
हाँ, तो वो कहेगा कैश की वजह से 9500 और डिस्काउंट अलाउड की वजह से 500। तो आप एक साथ 10,000 लिख नहीं सकते। अगर लिख देते तो फिर पर्टिकुलर्स में दिक्कत आती आपको, क्योंकि मोहन ने दो जनों को थप्पड़ मारे हैं। किस किस को? कैश अकाउंट को भी और डिस्काउंट अलाउड को भी। तो अगर आप इकट्ठे 10,000 लिखने की कोशिश करते तो फिर आप पर्टिकुलर क्या लिखते? तो फिर आप फंस जाते। तो समझ गए पोस्टिंग? तो आपको जब कंपाउंड जर्नल एंट्री की पोस्टिंग करनी होती है तो इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे मोहन जो है उसमें आप 10,000 एक साथ डायरेक्टली नहीं लिख पाओगे, तो आपको कैश के लिए अलग और डिस्काउंट अलाउड के लिए अलग लिखना पड़ेगा। तो ओके हो गया पॉइंट? सबको समझ आई पोस्टिंग? हाँ, थोड़ा तो समझ जाएंगे। अब खाली इतना देख के मेरे को ये तो पता ही चल गया कि अच्छा मोहन से 9500 कैश मिला है, हाँ वो नहीं पता चलेगा, हाँ वो नहीं पता चलेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अब चले पता चाहे ना चले, वो तो भगवान भोलेनाथ जाने। आप पोस्टिंग सीख गए? चलो ठीक है जी। तो सेकंड पॉइंट फिर मैं क्लोज कर दूँ, कंपाउंड जनरल एंट्री की पोस्टिंग। चलो जी, उसके बाद चलते हैं नंबर थ्री। नंबर थ्री है जी पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। ये भी कभी कभी काम आ जाता है और ट्वेल्थ में तो खैर आएगा ही काम। पोस्टिंग ऑफ ओपनिंग एंट्री। अब ओपनिंग एंट्री मुझे पता है कि आपको याद नहीं है, तो कोई ऐसी एग्जांपल लिख लेते हैं चलो ओपनिंग एंट्री का। चलो तो याद है तो लिख लेते हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000, कैश अकाउंट डेबिट 8,000, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 60,000, टू क्रेडिटर्स अकाउंट 28,000 और टू कैपिटल अकाउंट आप बताओगे। कितना? 50,000। ठीक, क्योंकि दोनों मैच होने चाहिए ना। तो ये ओपनिंग एंट्री याद है वैसे आपको पुराने चैप्टर में? सारे एसेट्स डेबिट करते थे तो मैंने ऐसी मनगढ़ंत लिख लिया, लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट करते थे। तो ओपनिंग एंट्री की मज़ेदार बात ये होती है कि इसकी डेट क्या होती है? फर्स्ट अप्रैल। तो फर्स्ट अप्रैल वाली डेट की ये ओपनिंग एंट्री होती है। तो जब हम इसको पोस्ट करते हैं, जो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, तो इन्हें ओपनिंग बैलेंसेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओपनिंग बैलेंसेस। तो वो कैसे शो करने हैं वो बस आप मेरे साथ देख लो। तो इसमें कितने अकाउंट बनेंगे? करो काउंट, 1, 2, 3, 4, 5। तो पांच आप छोटे छोटे अकाउंट बनाओ। तो इसमें आप, हाँ, पांच अकाउंट बनाने, बस पर्टिकुलर और अमाउंट, हाँ छोटे छोटे, क्योंकि हमको तो खाली प्रेजेंटेशन सीखना है कि ओपनिंग को कैसे। डेट मत बनाओ, कौन करे टाइम वेस्ट अपडेट बनाकर, है ना। तो आपको डेट से करना क्या, डेट तो पता ही है, क्या आएगी डेट बताओ? फर्स्ट अप्रैल, और क्या। तो इतनी सी बात के लिए क्या पाँच मिनट वेस्ट कर लें? तो स्टॉक अकाउंट बनाओ, कैश अकाउंट बनाओ, बिल्डिंग अकाउंट बनाओ, दो दो लाइन के बना लो बस। ये तीनों हैं एसेट, और फिर बना लो एक क्रेडिटर अकाउंट और एक बना लो कैपिटल अकाउंट। तो पांच छोटे छोटे अकाउंट बनाने, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो बस शॉर्ट में बना लो आप।
ज़्यादा सुंदरता की ज़रूरत नहीं है, तो फ्री हैंड से भी बना सकते हो। मेन तो हमें बस ये देखना है कि ओपनिंग एंट्री को कैसे प्रेजेंट कर दें, ओपनिंग एंट्री को प्रेजेंट कैसे करना है। चलो तो धीरे धीरे करेंगे, पहले पोस्टिंग करेंगे, पर्टिकुलर बाद में बताऊंगा। तो इसमें लिखा है स्टॉक अकाउंट डेबिट 10,000। तो बस अब आप ऐसे ही ओरली बता दो कि स्टॉक अकाउंट कह रहा है कि मैं जाऊंगा डेबिट साइड 10,000। तो मैं स्टॉक अकाउंट में 10,000 डेबिट साइड लिख दूं? तो ओके है, ठीक है, क्लियर हो गई वाली पोस्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ो। कैश अकाउंट कह रहा है मैं भी जाऊंगा डेबिट 8,000। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिख दूं 8,000? ठीक है, तो क्लियर है सबको। और बिल्डिंग अकाउंट फिर कह रहा है मैं भी जाऊंगा डेबिट 60,000। तो बिल्डिंग अकाउंट कह रहा है मैं भी जाऊंगा डेबिट साइड 60,000। तो भाई ओके, चलो फिर नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट में लिखा है टू क्रेडिटर अकाउंट 28,000। ये क्या कह रहा है? तो क्रेडिटर अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड। ठीक है, तो क्रेडिटर अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड 28,000। ओके, और कैपिटल अकाउंट भी क्या कह रहा है कि मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड। तो अब कम से कम, अब मैं तो ये मान रहा हूँ कि सबको साइट्स तो पता ही चल गई कि जर्नल एंट्री को देख के कैसे साइट्स पता लगानी है कि कौन कह रहा है किस साइट जाऊंगा। तो क्लियर हो गया पहले साइट्स? ठीक है, तो पोस्टिंग तो सही हो गई। ओके, अब पर्टिकुलर क्या लिखना है बस वो सिखाना है मेरे को मेन चीज़। तो ये जब हम ओपनिंग एंट्री को पोस्ट करते हैं तो इसका जो पर्टिकुलर होता है, तो बताओ कोई बच्चा स्कूल का चीता? हाँ, ओपनिंग बैलेंसेज होते हैं ये, तो इन ओपनिंग बैलेंसेज को किस नाम से पुकारें बताओ, इनको क्या पर्टिकुलर दें बताओ? ओपनिंग बैलेंसेज अकाउंट, ठीक है। तो बस ओपनिंग बैलेंसेज अकाउंट नहीं लिखते, तो इनको हम कहते हैं, लिखिए जी, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बी डी की फुल फॉर्म लिख लेना, ब्रॉट डाउन। तो बस ये कॉमन नाम है। तो ओपनिंग एंट्री की जब हम पोस्टिंग करते हैं तो पर्टिकुलर्स में लिखा जाता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसका मतलब ये ओपनिंग बैलेंस है। तो ये पहचान होती है ओपनिंग बैलेंस की कि इसके बारे में लिखा जाता है बैलेंस ब्रॉट डाउन, BD, बैलेंस ब्रॉट डाउन BD। तो सब में आपको एक ही वर्ड लिखना है, बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो अब एक क्वेश्चन करेंगे हम जिससे आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे साथ साथ। तो इसमें लिखो फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, फॉलोइंग आर द ट्रांजैक्शंस, तो आप डैश डाल लो। कुछ ट्रांजैक्शंस लिख लेते हैं। 1 जनवरी, सबसे पहले लिखो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹20,000। उसके बाद 3 जनवरी, परचेज्ड गुड्स इन कैश ₹6,000।
उसके बाद 7 जनवरी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल ₹3,000, और 10th जनवरी, पेड रेंट ₹4,000, पेड रेंट ₹4,000। तो नीचे लिखो, एंटर द अबव ट्रांजैक्शंस इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मैं आपको आज अकाउंटिंग की पूरी प्रक्रिया सिखाऊंगा। तो एंटर द अबव ट्रांजैक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रांजैक्शन और भी हो सकती हैं, लेकिन हमें तो समझना है, तो इसलिए मैंने खाली 4 ही ट्रांजैक्शंस रखी ताकि आप प्रोसेस को समझ जाओ। तो लिखो सॉल्यूशन। तो बताओ सबसे पहले कौन सी बुक बनाएंगे? ना जी ना, कोड बताओ, कोड क्या था? IMRC SSA। तो पहले कौन आता है? हाँ, तो बनाओ मेरे साथ जर्नल। तो पूरे एक पेज का बना लो फॉर्मेट जर्नल का, अपने रजिस्टर के हिसाब से। तो फॉर्मेट याद है जर्नल का? डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट। तो डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। तो लगभग आप अपने रजिस्टर में आधे से पौने पेज तक का भी बना सकते हो। एक फॉर्मेट बना लो जर्नल का, तो आधे पौने पेज का बना लो, बनाओ फटाफट। चलो, तो अब जिसको आता है वो बच्चा बताएगा, जिसको नहीं आता वो चेप लेगा। 1 जनवरी डेट दे रखी है और लिखा है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 20,000। बताओ एंड, ठीक है। और डेट 1 जनवरी, और क्या है एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, याद है ये? ठीक है, बाकी जिसको नहीं याद वो चेप लेना। और नरेशन का बस ड्रामा कर लो। हाँ बस, बीइंग इतना भी ड्रामा कर लिया तो बहुत है। चलो फिर सेकंड जिसको आती है, हाँ और क्या। अब 3rd जनवरी, परचेज्ड गुड्स इन कैश 6,000, ठीक है। तो लिखो जी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, नरेशन का ड्रामा। क्या यही तो थी परचेज अकाउंट डेबिट जनरल एंट्री? जनरल एंट्री में तो यही था फॉर्मेट, देखो। उसके बाद 7th जनवरी, सोल्ड गुड्स टू गोपाल 3,000, बताओ एंट्री? नाम दे रखा है ना, तो गोपाल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो लिखो 7 जनवरी, गोपाल डेबिट 3,000 टू सेल्स अकाउंट 3,000, नरेशन का ड्रामा। और उसके बाद 10th जनवरी, पेड रेंट 4,000,
ठीक है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 10 जनवरी रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000। तो बताओ भाइयों बहनों, जर्नल एंट्री में कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी तो नहीं हुई? तो अगर 4 की जगह 40 ट्रांजैक्शन होंगी तो भी आपका प्रोसेस सेम ही रहेगा, है ना? तो मैं तो आपको प्रोसेस सिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन कौन सी बुक में रिकॉर्ड होते हैं? जर्नल में, है ना? तो सबसे पहले कभी भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे यहाँ पर हुई, तो ये कहाँ रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल में, जैसे आपने देख लिया, ठीक है। अब जर्नल के बाद अगली किताब कौन सी बनानी पड़ती है? लेजर। तो वो धीरे धीरे बनाते हैं। अब काउंटिंग करेंगे कि कितने अकाउंट बनेंगे। चलो आदित्य काउंट करो मेरे साथ। कैश अकाउंट बोलो 1, कैपिटल अकाउंट 2, परचेज अकाउंट 3, कैश अकाउंट तो आ चुका, उसके बाद गोपाल अकाउंट 4, सेल्स अकाउंट 5, रेंट अकाउंट 6, कैश तो आ चुका, ठीक है। तो सारी एंट्रियां करने के बाद आपको गिनना पड़ता है कि कितने अकाउंट हैं। तो अब लेजर के अंदर कितने टी शेप अकाउंट बनेंगे? 6। चलो तो आप भी बनाओ, मैं भी बनाता हूँ, फिर देखते हैं कौन जल्दी बनाएगा। चलो तो अब शुरू करते हैं। ढांचे सारे बन गए 6। तो अब धीरे धीरे कर रहे हैं मेरे साथ, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन से। पहले मैं फर्स्ट वाली रीड कर रहा हूँ, 1 जनवरी। हाँ, पहले मुझे रीड करने दो, अपनी पीपड़ी मत बजाओ। कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा डेबिट में 20,000, ठीक है आदित्य भाई, देख रहे हो? तो कैश अकाउंट क्या कह रहा है, मैं कहाँ जाऊंगा? डेबिट में 20,000। तो देखो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, फिर आप बताना। तो कैश अकाउंट में डेबिट साइड पे आप लिखोगे 1 जनवरी और 20,000 पोस्ट कर दोगे। तो मुझे सब बच्चे बोलो भाई हाँ ओके है, ओके है। पर्टिकुलर आप बताओ। अब मैं कैश अकाउंट से पूछ रहा हूँ, कैश अकाउंट तुम किसकी वजह से डेबिट हुए? कैपिटल अकाउंट, समझ गए? बिल्कुल सही। तो आप इसमें लिखोगे 2 कैपिटल अकाउंट। क्लास से बाहर भेज दूं? मुंडी अगर घूमी तो सर और धड़ के अलग होने में पता है ना कितने सेकंड लगेंगे? 1 से भी बहुत कम। अब देखो अगला, देखो अगले में लिखा है इसके नीचे 2। अब कैपिटल अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट में, वेरी गुड। तो चलते हैं कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में चलते हैं और लिखते हैं डेट 1 जनवरी। पर्टिकुलर आप बताओ। वेरी गुड, बाय कैश अकाउंट, क्योंकि ये क्रेडिट किसकी वजह से हुआ? कैश अकाउंट की वजह से। तो क्लियर हो गई आपकी पोस्टिंग? वेरी गुड। तो आपने इसका मतलब पहली जर्नल एंट्री पोस्ट कर ली, ओके। बस ऐसे सेकंड भी कर लेते हैं, बस ऐसे हमें सारी करनी है। तो अब सेकंड पढ़ते हैं धीरे धीरे। सेकंड में लिखा है अब परचेज अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा डेबिट में 6,000। तो चलते हैं परचेज अकाउंट में चलते हैं और डेट लिखते हैं 3 जनवरी और पर्टिकुलर क्या? वेरी गुड, 2 कैश अकाउंट और 6,000 पोस्ट कर दो, ठीक है। तो बता देना, बिल्कुल शर्माना मत अगर आपको कोई भी पोस्टिंग में हल्का सा भी डाउट लगे। अब देखो नेक्स्ट, इसी के नीचे लिखा है 2 कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट में, बिल्कुल सही। तो कैश अकाउंट में चलते हैं, क्रेडिट साइड पर चलते हैं, डेट लिख लेते हैं 3 जनवरी। पर्टिकुलर आप बताओ। बिल्कुल सही, बाय परचेज अकाउंट 6,000। तो आपने सेकेंड एंट्री भी पोस्ट कर ली, ठीक है।
अब थर्ड एंट्री पे चलते हैं। थर्ड में लिखा है गोपाल कह रहा है मैं जाऊंगा डेबिट साइड 3000। तो 7 जनवरी गोपाल के अकाउंट में चलो। गोपाल का अकाउंट कहाँ है? ये रहा। तो डेट लिखो 7 जनवरी। पर्टिकुलर आप बताओ। वेरी गुड। 2 सेल्स अकाउंट 3000। ठीक है। और उसी के नीचे लिखा था 2। अब सेल्स कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट में। तो सेल्स अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्रेडिट में। तो सेल्स अकाउंट में लिख लो 7 जनवरी। पर्टिकुलर आप बताओ। बाय गोपाल 3000। चलो ठीक है। तो क्लियर हो गया। अब फोर्थ पोस्टिंग आप बताओ तो ताकि अच्छा लगे। फोर्थ में लिखा है रेंट अकाउंट डेबिट। रेंट अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा डेबिट साइड। तो चलो रेंट अकाउंट में 10 जनवरी। पर्टिकुलर्स में क्या? 2 कैश अकाउंट 10000। अच्छा 4000 था। चेक कर लेते हैं 4 था या 10 था, कुछ एक ही था। अच्छा ट्रांजैक्शन में 4 था। ओके तो 4। हाँ मतलब जर्नल एंट्री में हमने गलती से 10 लिख लिया था, 4 लिख लो। तो रेंट अकाउंट डेबिट 4000। तो पोस्टिंग समझ आई लेकिन मेन चीज़? ठीक है। और फिर उसी के नीचे लिखा है क्या? कैश अकाउंट कह रहा है मैं जाऊंगा क्यों डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड। अब भी गलतियां बताओ, ये तो हाल है। तो कैश अकाउंट क्या कह रहा है? मैं जाऊंगा क्रेडिट साइड। हाँ तो चलो 10 जनवरी बाय रेंट अकाउंट। ठीक है। तो मैं एक मिनट दे रहा हूँ, सब बच्चे मुझे बताओ ऑनेस्टली बिना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती दबाव के कि आपको पोस्टिंग क्लियर हुई? yes, सब बच्चों को। और पर्टिकुलर क्या लिखने हैं वो भी क्लियर हो गए? yes, चलो ठीक है। अब क्योंकि हम ये कंप्लीट सवाल सीख रहे हैं पूरा प्रोसेस, तो अब हम कास्टिंग भी करेंगे और फिर बैलेंसिंग भी करेंगे। तो अब कास्टिंग का रूल क्या बताया था? हाँ तो डेबिट साइड का टोटल कितना है? 20। तो आपको 20 लिखना पड़ेगा। और इधर बादल बना देता हूँ। क्या सिखाया था बैलेंस के लिए? बाय हाँ बैलेंस सी डी कैरेट डाउन। कितने रुपए? 10000। याद आ गया बैलेंसिंग का प्रोसेस? उसकी डेट वैसे महीने का आखिरी दिन आता है, तो आप 31 जनवरी लिख लो। गुड क्वेश्चन। दोस्त ने पूछा कि डेट क्यों नहीं लिखी, तो जनरली महीने का लास्ट डे होता है, नॉट द अकाउंटिंग पीरियड। क्योंकि जनवरी का महीना चल रहा है ना, तो हम महीने के अंत में बैलेंस निकाल लेते हैं। नहीं नेक्स्ट मंथ में जब हम सीखेंगे आगे, तो ये ही अकाउंट आगे कंटिन्यू हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं सीख रहे। चलो अब कैपिटल अकाउंट की कास्टिंग करते हैं। 20000 ठीक है। तो कास्ट और बैलेंसिंग कर लेते हैं। सही तो लिख लो 2 बैलेंस सी डी 20000। ठीक है। तो ये बादल बस मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, एग्जाम में मत बनाना। हाँ नीचे लिख दो, सबसे एंड में लिखा जाता है। नहीं दोस्त, अब परचेज अकाउंट की बैलेंसिंग मतलब सॉरी पहले कास्टिंग 6000 और बैलेंसिंग बाय बैलेंस सी डी ठीक है 6000।
उसके बाद गोपाल अकाउंट की कास्टिंग 3000, ठीक है। तो गोपाल अकाउंट की कास्टिंग हो गई 3000, और उसकी भी बैलेंसिंग बाय बैलेंस सीडी 3000, ठीक है। तो किसी को कास्टिंग या बैलेंसिंग में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं हो रही, ये प्रोसेस हम पहले सीख चुके हैं। फिर सेल्स अकाउंट की भी कास्टिंग, सेल्स की कितनी आ जाएगी कास्टिंग 3000, सेल्स की भी, ठीक है। और सेल्स अकाउंट की भी बैलेंसिंग टू बैलेंस सीडी 3000, ठीक है। क्योंकि हमें इस चैप्टर में कास्टिंग और बैलेंसिंग भी करना होता है ना, तो हमको ये दिखाने के लिए करना है। और फिर रेंट अकाउंट की भी कास्टिंग कितना आएगा टोटल 4000, और रेंट अकाउंट की बैलेंसिंग बाय बैलेंस सीडी 4000, ठीक है। तो बोलो अब आप पता है क्या क्या सीख चुके, एक तरह से पोस्टिंग भी सीख गए, बाकी कास्टिंग और बैलेंसिंग भी मतलब रिवाइज हो गई। तो समझ आया लेजर क्या होता है? Yes. तो लेजर एक ऐसी बुक है जिसमें आप बेसिकली ये सारे टी शेप अकाउंट बनाते हो। तो अगर मैं 4 की बजाय 40 ट्रांजेक्शन्स देता तो आपको 40 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी पड़ती। रिकॉर्ड कहाँ करते हो? जर्नल में। और फिर यहाँ से निकाल निकाल के पोस्ट करते हो, क्लासीफाई करते हो, तो वो कहाँ करते हो? लेजर में। कोई बड़ा काम नहीं है। अब कोड सुनाओ जो स्टार्टिंग में सिखाया था, क्या था कोड? IMRCSAC। आर का मतलब क्या था? वो था जर्नल, वो आप सीख गए। सी का मतलब क्या था? वो था लेजर, वो आप सीख गए। फिर एस का मतलब क्या था? समराइजिंग। आओ तो हेडिंग डालो। हाँ तो कंप्लीट अकाउंट हाँ सिखाना है ना मुझे। तो रिकॉर्डिंग भी कर ली हमने, उसके बाद क्लासिफाइंग भी कर ली हमने, और उसके बाद आखिरी स्टेप क्या करते हैं? समराइजिंग। तो ये और सिखा दूँ ना आपको ताकि कंप्लीट अकाउंटिंग सीख लो। तो लिखो, अभी आके इसको मार पड़ेगी। तो ट्रायल बैलेंस बनाएंगे बच्चों जी हम एक। तो ये मैं सिखा देता हूँ, इसका फॉर्मेट बहुत ही सिंपल होता है। इस पे सिर्फ 4 कॉलम्स हैं, ओ सॉरी बल्कि 3 ही कॉलम बनाओ अब तो, छोटा सा। सिर्फ आपको बनाना है 7-8 लाइंस का बस। तो समराइजिंग का प्रोसेस सबसे आसान होता है क्योंकि इसमें हमें बड़े बड़े फॉर्मेट, बड़ी बड़ी बातें नहीं रिकॉर्ड करनी। इसका तो मतलब ही है समरी। समराइजिंग का मतलब क्या होता है? समरी। तो समरी जो होती है उसमें हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, और इसको बैलेंस इसलिए कहते हैं या इसका नाम ट्रायल बैलेंस इसलिए है क्योंकि इसमें हमें कुछ नहीं शो करना, सिर्फ बैलेंसेस शो करने। अभी अभी आपने बैलेंसिंग करी थी ना प्रक्रिया, तो सारे बैलेंसेस इसमें आ जाते हैं। तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ, सारे बैलेंसेस इसमें आ जाते हैं। तो बस इसमें हमें कोई रिकॉर्डिंग नहीं शो करनी, इसमें तो सिर्फ बैलेंसेस जो हैं उनको दिखाना है। जितने बैलेंसेस आपने अभी अभी निकाले ना थोड़ी देर पहले, 2 मिनट पहले, उनको इसमें दिखाना है। तो अभी आप पहले बनाओ फॉर्मेट फिर बताता हूँ। तो अब देखो, सीखो, समझो अच्छे से, लंबी गहरी सांस ले लो। कितने अकाउंट बनाए आपने, कितने लेजर अकाउंट थे? 6, ठीक है, चलो वेरी गुड। तो 6 के 6 सारे नाम लिख लो। कैश अकाउंट था पहला, दूसरा कैपिटल अकाउंट लिख लो, दूसरा, तीसरा परचेज अकाउंट लिख लो, तीसरा, चौथा गोपाल, फिर पांचवा सेल्स अकाउंट, और छठा
रेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहले छः के छः नाम लिख लो, हमें समरी बतानी है। अब अपने रिवीजन के लिए बस मुझे आप ये सुना दो कि क्लियर के हिसाब से, क्लियर मतलब जो वही आपको मॉडर्न रूल सिखाए थे, क्लियर के हिसाब से कैश क्या है? कैपिटल, तो कैपिटल ही हो गई। परचेज, वेरी गुड। गोपाल, मतलब डेटर, वेरी गुड। सेल्स, वेरी गुड। रेंट, एक्सपेंस, वेरी गुड। तो ये भी याद है आपको, इसमें तो पे करा था ना, अगर मिल रहा होता तो रेवेन्यू लिखते, वो जब आएगा तब देखेंगे। चलो अब रूल्स बताऊं आपको बैलेंसिंग का, एक्सपेंस और एसेट के बैलेंस को कहाँ शो करते हैं? डेबिट। और कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू के बैलेंस को कहाँ शो करते हैं? क्रेडिट। तो आप एक बार वो बैलेंसेस जो निकाले थे आपने भी थोड़ी देर पहले, वो सारी फिगर्स मुझे देख देख के एक एक करके बताना ज़रा। कैश अकाउंट का बैलेंस क्या था? बैलेंस बताना है, कास्टिंग नहीं, बैलेंस सीडी जो लिखा था, हाँ वो बादल वाली फिगर, ये हाथ का निशान बनाया था, 10,000, ठीक है। ये सारे हाथ के निशान, ये बादल बताने हैं आपको सारे, ये बैलेंसेस होते हैं ना। तो ट्रायल बैलेंस का मतलब ये है कि हम इसमें समरी दिखाते हैं बस, कि किस अकाउंट में क्या बैलेंस बचा है। बस ट्रायल बैलेंस का पर्पज़ ये है कि ये सिर्फ बैलेंसेस की समरी बताता है कि किस अकाउंट में क्या बैलेंस है। तो अब बताओ कैश अकाउंट में क्या बैलेंस था? लिख लो डेबिट में। कैपिटल अकाउंट में लिख लो, क्रेडिट में। परचेज अकाउंट में 6,000 नहीं, अभी रूल बताया ना, एक्सपेंस और एसेट के बैलेंस कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड। और कैपिटल और लायबिलिटी और रेवेन्यू के? क्रेडिट साइड। तो परचेज का बैलेंस कितना था? 6,000। गोपाल का बैलेंस 3,000। सेल्स का बैलेंस 3,000। और रेंट का बैलेंस 4,000। ओके, अब देखो एक जादू होगा, दोनों साइड का टोटल करो, 23,000। और इधर का भी 23,000। तो ये इसका मतलब कंप्लीट अकाउंटिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, जिसमें हर ट्रांजैक्शन के ड्यूअल एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो गए, पोस्टिंग कंप्लीट हो गई और डेबिट्स का टोटल क्रेडिट्स के टोटल के बराबर हो गए। बट प्रोसेस समझे आप पूरा? ठीक है, तो ये मतलब था बेसिकली जो मुझे कराना था आपको पहले, लेकिन प्रोसेस सिखाना था, लेकिन आप फोकस करना टोटल, टोटल डेबिट बैलेंसेस, हाँ डेबिट बैलेंसेस का टोटल 23 और क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल 23। नहीं है वह कुछ नहीं, इसका मतलब यह है कि हमारी अर्थमेटिकल एक्यूरेसी सही थी, इसका मतलब है कि हमने हर ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड करा है, डेबिट क्रेडिट्स को सही ध्यान में रख के पोस्ट करा है और जो बैलेंसेस निकले हैं वो सही निकले हैं, ये थोड़ा सा इस बात का सबूत होता है। कुछ नहीं, वो तो एक टोटल है, वो तो कुछ और होता। हाँ हाँ, जैसे आप अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या करते थे, LHS इक्वल टू RHS चलता रहता था ना एंड तक, तो आपको पता लग जाता था हम सही हैं। तो ये भी वही चीज़ है कि हमारे सारे डेबिट बैलेंसेस का टोटल और हमारे सारे क्रेडिट बैलेंसेस का टोटल बराबर। ये बेकार की बातें हमारे कोर्स के दायरे से बाहर है। आप ये बताओ लर्निंग हुई कि नहीं, लेजर का प्रोसेस सीखेगी नहीं? चलो, तो ये था ना मेन मुद्दा।